गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट टुडेज ईवीएस वर्क। देखिए आपकी ईवीएस बुक है लिव विद नेचर और आज हम इसका चैप्टर 7 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 7 चैप्टर की हम रीडिंग करेंगे। टाइप्स ऑफ फैमिली, फैमिली क्या होती है? फैमिली होती है आप परिवार जिसमें हम रहते हैं। ठीक है, उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं, फैमिली किन किन प्रकार की होती है, वो आज हम इस चैप्टर में रीड करते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। चैप्टर 7 है टाइप्स ऑफ फैमिली, परिवार के कौन कौन से प्रकार होते हैं। देखिए, अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन। देखिए पेरेंट्स क्या होते हैं, पेरेंट्स होते हैं माता पिता, और चिल्ड्रन क्या होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं बच्चे। तो यहाँ पे बताया गया है जो एक परिवार होता है, जो एक फैमिली होती है, वो किससे मिलके बनता है, पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रंस, माता पिता और उनके बच्चों से मिलकर बनता है। All members of a family live together in a house. और देखिए जो एक फैमिली के, जो एक परिवार के सब सदस्य होते हैं, सब मेंबर कौन होते हैं, सदस्य। ठीक है, वो लिव टुगेदर इन अ हाउस, वो एक दूसरे के साथ एक घर में मिलकर रहते हैं। सम फैमिलीज आर लार्ज व्हाइल सम आर स्मॉल। और देखिए यहाँ पे एक चीज़ और होती है कि सम फैमिलीज, जो कुछ फैमिली होती है वो कैसी होती है, लार्ज होता है बड़ी, बड़ी होती है, व्हाइल सम आर स्मॉल। और कुछ फैमिलीज कैसी होती है, स्मॉल, और कुछ फैमिली स्मॉल होती है, कुछ बड़ी होती है और कुछ छोटी फैमिली होती है। वी सी 3 टाइप्स ऑफ फैमिलीज इन अवर नेबरहुड। और जो हमारा आसपास का माहौल है, आसपास के जो हमारा पड़ोस है, हम कैसी फैमिलीज देखते हैं, हम 3 टाइप्स की, 3 टाइप्स की फैमिली परिवार हम देखते हैं। कौन कौन से, देखिए नंबर 1 है स्मॉल या न्यूक्लियर फैमिली, छोटी सी या न्यूक्लियर, छोटा परिवार या उसको बोलते हैं एकल परिवार भी बोल सकते हैं, न्यूक्लियर या स्मॉल फैमिली। नंबर 2 होती है लार्ज फैमिली, मतलब बड़ा परिवार। और नंबर 3 होता है जॉइंट फैमिली, मतलब संयुक्त परिवार, इसमें सब मिलजुल के रहते हैं, काफ़ी बड़ी फैमिली होती है जॉइंट। अब देखिए कौन कौन सी फैमिली कैसी होती है। नंबर 1 स्मॉल या न्यूक्लियर फैमिली, एकल परिवार कैसे होता है, देयर आर 3 or 4 मेंबर इन अ स्मॉल फैमिली। अब देखिए जो स्मॉल फैमिली होती है उसमें कितने मेंबर होते हैं, 3 or 4, या तो 3 मेंबर हो सकते हैं, 3 सदस्य हो सकते हैं, या फिर 4 सदस्य हो सकते हैं। अ स्मॉल फैमिली हैज़ पेरेंट्स एंड देयर 1 or 2 चिल्ड्रन। और देखिए स्मॉल फैमिली में क्या होता है, इसमें एक तो माता पिता होते हैं, ठीक है, माता पिता के साथ या तो उनका एक बच्चा हो सकता है या फिर 2 बच्चे हो सकते हैं। अ स्मॉल फैमिली इज अ हैप्पी फैमिली। और जो एक छोटा परिवार होता है वो कैसा होता है, वो सुखी परिवार होता है, खुश परिवार होता है। नंबर 2 पे होगा लार्ज फैमिली, बड़ी फैमिली कैसी होती है, अ लार्ज फैमिली हैज़ पेरेंट्स एंड देयर मोर देन 2 चिल्ड्रन। देखिए जो लार्ज फैमिली होती है उसमें पेरेंट्स होते हैं, माता पिता होते हैं, और माता पिता के 2 से ज़्यादा बच्चे हो सकते हैं, ये आपकी लार्ज फैमिली होती है। नंबर 3 जॉइंट फैमिली, मतलब संयुक्त परिवार कौन सा होता है, अ जॉइंट फैमिली हैज़ ग्रैंड पेरेंट्स। देखिए ग्रैंड पेरेंट्स कौन होते हैं, दादा दादी। संयुक्त परिवार में ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स मतलब माता पिता होते हैं, अंकल्स आंट्स मतलब अंकल आंटी होते हैं, एंड देयर चिल्ड्रन और उनके बच्चे होते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी जॉइंट फैमिली में मिलेंगी। चिल्ड्रन ऑफ अ जॉइंट फैमिली लर्न गुड हैबिट्स, गुड मैनर्स एंड मोरल वैल्यूज फ्रॉम देयर ग्रैंड पेरेंट्स। और देखिए जॉइंट फैमिली की एक खास बात क्या होती है कि जो जॉइंट फैमिली में पलने वाले बच्चे होते हैं वो क्या लर्न करते हैं, क्या सीखते हैं, गुड हैबिट्स, अच्छी आदतें सीखते हैं, अच्छे मैनर्स सीखते हैं, और जो नैतिक मूल्य होते हैं वो सीखते हैं, किससे, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, जो उनके दादा दादी होते हैं, उनके ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, उनसे ये सारी चीज़ें, अच्छी आदतें, नैतिक शिक्षा क्या होती है, वो सारी चीज़ें, नैतिक मूल्य उनसे सीखते हैं। अ जॉइंट फैमिली हैज़ इट्स ओवर इम्पोर्टेंस इन द सोसाइटी। और जो एक जॉइंट फैमिली होती है उसकी एक सोसाइटी में, जो समाज होता है उसमें अलग ही इम्पोर्टेंस होती है, एक बहुत ज़रूरी उसका स्थान होता है हमारी सोसाइटी में। ठीक है, तो ये आपके टाइप्स ऑफ फैमिली थे।
और चैप्टर 7 है आपका। सब बच्चे आज ये हाफ चैप्टर रीड करेंगे। आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।